हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके का टैग्स स्क्रोलिंग इफेक्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रीमियर पे आके अपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, जिससे बैकग्राउंड पे आप ये लिखना चाहते हैं। देन इसके बाद टाइप टूल सेलेक्ट करके आपको अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेना है। ओके, तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट टाइप कर लेने के बाद आपको अपने इस टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन कर लेना है। टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन करने के बाद आपको अपनी इफेक्ट्स पैनल पे आना है। यहाँ पे आपको गॉशियन ब्लर सर्च करना है। गॉशियन ब्लर को ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है अपनी टेक्स्ट वाली लेयर पे। गॉशियन ब्लर ऐड करने के बाद आपको अपने इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे आना है। इसके बाद आपको दो की फ्रेम्स ऐड करनी है, एक पोजिशन पे एनिमेशन ऑन करना है और एक ब्लरिनेस पे। ओके, ये दोनों ही आपको फर्स्ट फ्रेम पे ऐड करने हैं। देन इसके बाद आपको अप्रॉक्स 3 सेकेंड आगे आना है। जितना भी आपको ड्यूरेशन चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट करेंगे। ओके, 3 सेकंड आगे आने के बाद आपको फिर से की फ्रेम सेट करने हैं। देन इसके बाद आपको फर्स्ट फ्रेम पे आना है और अपनी पोजीशन को इस तरह सेट करना है जैसे कि आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं, ताकि आपका सिर्फ जो फर्स्ट टेक्स्ट है, फर्स्ट ईयर है, वही रिवील रहे। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 2002 है, ये यहाँ पर विजिबल रहेगा कुछ इस तरह से। ओके, देन इसके बाद आपको अपनी लास्ट फ्रेम पर जाना है और इस वक्त आपका सबसे लास्ट वर्ड दिखना चाहिए। इसके बाद आपने जो ब्लरिनेस पे की फ्रेम सेट किया था, एक स्टार्टिंग में और एक 2.5-3 सेकेंड के बाद, इन दोनों फ्रेम्स के बीच में आपको आना है और यहाँ पे आपको ब्लरिनेस की वैल्यू इंक्रीज करनी है। देन इसके बाद ब्लर डायमेंशंस के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके, आप चाहें तो ब्लरिनेस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, जैसा भी आपको बेटर लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन अभी क्रिएट हुआ है। एनिमेशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक लास्ट चीज़ इसमें बाकी है। आपको यहाँ पे अपनी टेक्स्ट फाइल लेयर को सिलेक्ट करना है। ओबेसिटी के ऑप्शन पे आकर आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट फाइल लेयर को सिलेक्ट करना है। ओबेसिटी के ऑप्शन में जो आपको मास्क का ऑप्शन दिख रहा है, रेक्टेंगल मास्क का, इस पर क्लिक करना है और अपने टेक्स्ट के आसपास एक मास्क क्रिएट करना है आपको, ताकि एक वक्त पर आपका सिर्फ एक ही टेक्स्ट दिखाई दे, बाकी ना दिखाई दे। इसका हम फैदर हल्का सा इंक्रीज कर देंगे और इसका एक्सपेंशन भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो वर्ड इसके बाद आने वाला है वो हमें हल्का सा विजिबल रहे, ज़्यादा विजिबल ना रहे, और बिल्कुल स्मूथली इसमें आता जाता रहे। तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम साउंड इफेक्ट लगा के इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स, लव यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का।